High voltage drama has been unfolded in the national capital of India. Two biggest national parties have staged protests. Aam Aadmi Party workers and leaders have staged protests against the arrest of CM Kejriwal. Mr. Kejriwal is in the custody of the Enforcement Directorate after his arrest in a money laundering case in connection with Delhi liquor policy scam. In fact, the ED has claimed that he is the kingpin of the scam. Meanwhile, Kejriwal has issued two orders from the ED custody for water and the health department. Now, BJP workers are protesting against this and have demanded the resignation of the Chief Minister, Arvind Kejriwal. Manisha Dindoria, correspondent, is joining us on the broadcast to talk more about this. Manisha, if you can hear me. Manisha? Yes, GG, I'm listening to you. Manisha, क्या स्थिति है अभी, क्या समीकरण बनता है? मुख्यमंत्री हवालात में है, दिल्ली सरकार को कैसे चलाया जाएगा? क्या एलजी कमान संभालेंगे या फिर आपको लगता है कि एक नया मुख्यमंत्री दिल्ली में घोषित करना अनिवार्य है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही पेचीदा स्थिति जो है दिल्ली में पैदा हो गई है, क्योंकि इससे दिल्ली वालों को भी ये लग रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी रिमांड पर हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, बड़े बड़े लीडर्स, कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार मांग है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की। और वहीं आपको बता दूँ, बीजेपी नेता मंजिंदर सिंह सिरसा ने एलजी को एक पत्र भी लिखा है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि जो संदेश अरविंद केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से भेजा था आम आदमी पार्टी ऑफिस में, वो बिल्कुल फर्जी है, क्योंकि उस पर ना तो कोई संदेश लिखा था, ना तो कोई डेट मेंशन थी, ना तो कोई ऑथराइज सिग्नेचर था, ना ही कोई स्टैंप थी। और बिना कोर्ट के ऑर्डर के अरविंद केजरीवाल ईडी रिमांड से कैसे कोई लेटर अपने ऑफिस में भिजवा सकते हैं और अपने नेताओं को ये संदेश दे सकते हैं कि आप दिल्ली वासियों का ध्यान रखिए, जहाँ जहाँ पानी की दिक्कत है वहाँ वहाँ जाकर जो है मुहैया कीजिए कि कहीं पर लोगों को कोई किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो उन्होंने मांग की है लीगल जो है कार्रवाई होनी चाहिए इस पर, क्योंकि उनका मानना है, बीजेपी का ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम नेता अपने पद की, अपने गरिमा की जो है यहाँ पर मिसयूज कर रहे हैं। और आतिशी के खिलाफ भी उन्होंने कहा है कि आतिशी ने ये जो संदेश लोगों के सामने आके पढ़ा और संदेश दिया लोगों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, ये इलीगल है, असंवैधानिक है, इसके खिलाफ कड़ी जाँच होनी चाहिए। और हम मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल अभी जो ईडी रिमांड में है वो कह रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, जबकि ऐसा कोई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर नहीं आया है। जब तक वो इस्तीफा नहीं देते हैं सरकार नहीं चला सकते हैं, और जेल से बैठकर सरकार नहीं चलती है, जेल से बैठकर गैंग चलती है, ऐसा लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। दोनों ही पार्टियों में घमासान छिड़ा हुआ है, दोनों ही पार्टियां जो है सड़कों पर उतरी हुई है, अपनी अपनी मांग को लेकर अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से किया हुआ है। आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये जो माहौल है पूरी तरीके से गर्मा रहा है, और अब जनता भी देखिए इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा ये सोच रही है कि जो भी दिल्ली में माहौल अभी चल रहा है उसका असर दिल्ली पर कितना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है कई इलाकों में पानी की समस्या हो रही है, कई इलाकों में बिजली की समस्या हो रही है, उसी को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं। जी, ये भी बताइए कि इस वक्त आम आदमी पार्टी को लेकर क्या माहौल है? अगर अरविंद केजरीवाल इसी तरह हवालात से ऑर्डर्स पास करते रहेंगे तो उत्तराधिकारी कौन होगा अरविंद केजरीवाल का, इसको लेकर क्या हवा है? बिल्कुल, देखिए सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा दे देते हैं या फिर ईडी की रिमांड बढ़ जाती है तो आम आदमी पार्टी से, वैसे तो उनकी पत्नी का नाम सामने आ रहा था, जहाँ तक सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबरें थी कि उनकी पत्नी जो है कुर्सी संभाल सकती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि पर्टिकुलर नाम किसका आ रहा है, क्योंकि तमाम जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, चाहे वो आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, उनके विधायक हो, छोटे छोटे जो कार्यकर्ता हैं जो प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, वो तमाम लोग यही नारा लगाते हुए हमने देखे हैं कि हम अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और वही रहेंगे और उनके अलावा कोई नहीं होगा। तो ये नारा लगातार उनके प्रदर्शन में दिया जाता रहा है, और अभी तक ऐसा कोई नाम पर्टिकुलर सामने नहीं आया कि हम कह सके कि अरविंद केजरीवाल के बाद अब ये कमान संभाल सकते हैं दिल्ली की। शुभ राणा, माय कलीग आल्सो जॉइंस अस एट दिस पॉइंट इन टाइम टू टॉक मोर अबाउट दिस। शुभ, इफ यू कैन हियर मी। Yes, of course.
Well, there seems to be an ongoing battle between the BJP and the Aam Aadmi Party as to who's going to be running Delhi. What do we know so far as to how this situation is supposed to buckle and in whose favour? Yes, so this is definitely a big question, because alternatively it has been said, because Aam Aadmi Party is constantly doing protest for Arvind Kejriwal, and they are saying that until unless Arvind Kejriwal would be set free, they would be on protest. When you see the other side of the coin, that is the BJP. BJP is also doing protest. It seems like that there is a fight over protest, protest versus protest. The scoreboard is currently going equal, and in today's protest of Aam Aadmi Party, many karyakartas of Aam Aadmi Party were detained today, and they were said that they were not allowed to go till Pradhan Mantri Awas, and that's why they were detained today. And currently I'm standing near this Aam Aadmi Party office, where you can see people here are coming across India to support Arvind Kejriwal. We have with us इन्होंने गधा धारण कर रखा है और इनसे बातचीत करेंगे. हाथ में तिरंगा है. ये बताइए कहाँ से हैं और यहाँ क्यों आना? पानीपत से हूँ जी. मेरा नाम राजवीर है जी. देश के सारे आंदोलन लड़ता हूँ जी. मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, पढ़े लिखे हूँ जी. पूछे जी क्या पूछना जी. यहाँ प्रोटेस्ट में आप हरियाणा से यहाँ क्यों आए? ऐसे अरविंद केजरीवाल से क्या? मोदी के घर को घेरने के लिए आए थे. जो मोदी ताना हिटलर शाही देश में, इटलर शाही सबकी आवाज को दबाया जा रहा है. पैदल चलने की भी आजादी छीनी जा रही है. प्रोटेस्ट तो सर आपको नहीं करने दिया. पैदल चलने भी नहीं दिया जाता. पैदल भी चलते हैं उसको भी जेल में डाल दिया जाता है. पैदल चलने की भी आजादी बोलने की तो छीनी थी, पैदल चलने की भी आजादी छीन ली है. ऐसा इटलर आजाद भारत के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री कभी ना आएगा और ना आया. बात बताइए, आपके हाथ में गधा धारण आपने किया हुआ, एक हाथ में तिरंगा है, इसका मतलब समझाएंगे? हाँ जी, आज मंगलवार है, महावीर का वार है, और सच्चे मन से पत्रिका है कर लो, सच्चे मन से ये पत्रिका ना कर लो, आपका बेड़ा पार होगा. ये झूठे पत्रकार, झूठी खबरें, सारे अखबार झूठे चलते हैं जी. सर देखिए, हम खबरें लगातार दिखा रहे हैं इस पर और आपको भी लाइव लिया. सो उदय, एज यू कैन सी इन द विजुअल्स दैट आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताज आर इन एंगर मोड एंड दे आर कॉन्स्टेंटली सेइंग दैट अरविंद केजरीवाल शुड बी रिलीज्ड एज सून एज पॉसिबल. एंड यू नो, ओके, लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट विनीत जिंदल इज जॉइनिंग अस एट दिस पॉइंट इन टाइम टू टॉक मोर अबाउट दिस. मिस्टर जिंदल, अप्रिशिएट यू स्पीकिंग विद न्यूज़एक्स. आई होप यू कैन हियर मी. मिस्टर जिंदल, ऑडिबल? Sir, you're very much audible. Sir, am I audible? Yes, you are. So, what are we looking at? A chief minister is locked up. There is an elected government in place. What does the law state? Can Mr. Arvind Kejriwal run the national capital from jail? Yes, he can do it. But the way he is trying to pass an order right now, that is illegal. There would be a specific... Okay. So you just said that he can run, and then you have said that he cannot pass an order. So these are contradicting statements. Look, there is a difference, which would be understand. The reason is why I'm saying this is illegal right now, because there is no direction has been or permission has been taken by the court. He is in interrogative custody. And in this custody, the person who is either he would be an individual or a CM, that is equivalent. Law is equivalent for everyone. And in this kind of custody, no one, the accused cannot communicate outside the world. But right now, Arvind Kejriwal communicating their order and his willingness outside the world without prior permission of the court. He has to seek permission first, then only he can pass or he can communicate anything to outside world. So that is illegal. So what if that permission is denied? Can this government be dissolved and the governor's rule be established? No, he can appoint someone on his behalf to run this government, number one. But will they have to go through a floor test? It could be. If LG, as far as right now, we have information that LG has given a specific report upon disability of the present government in Delhi to MHA.
So if it is the scenario right now, so we will we'll soon see something very very big issue in respect to the government in Delhi. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.